हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको बार बार बैक पेन हो जाता है, कोई भी भारी चीज़ को आप ज़मीन पर से उठाते हो तुरंत आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपका जो पोस्चर है वह सही नहीं है, आप इस तरीके से आगे से झुके हुए हो, तो यहाँ पर अगर आप यह सभी तकलीफ़ों में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर आपको मैं ऐसी आसान सी एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ कि जिनको अगर आप नियमित करते हो तो यह बैक में आप फायदा ले सकते हो, आप अपने पोस्चर को सही कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो यहां पर हमें लैटिसमस डोर्सा मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, इनको स्ट्रॉन्ग करके आप यह बैक पेन में फायदा ले सकते हो, आप अपने पोस्चर को सही कर सकते हो। यह मसल हमारे पीठ के पीछे का सबसे बड़ा मसल है, यह हमारे स्पाइन से निकल कर हमारा जो आर्म होता है वहां पर अटैच होता है। यह मसल हमारा जो स्पाइन होता है इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे पोस्चर को सही रखता है। इनके अलावा हमारा जो आर्म होता है आर्म को भी स्ट्रेंथ देने का काम यह लैटिसमस डोर्साई मसल करता है, इसलिए यह मसल को स्ट्रॉन्ग रखना काफी जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम यह मसल को स्ट्रॉन्ग करने वाली अलग अलग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको सिखाने वाले हैं, तो इनको डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दीनल। पहली एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से डंबल का इस्तेमाल करना है। शुरुआत में आपको लाइट वेट लेना है, फिर धीरे धीरे आप यह वेट बढ़ा सकते हो। दूसरे फोरआर्म का हमें इस तरीके से टेबल के ऊपर सपोर्ट लेना है, कमर में से आगे झुक जाना है, फिर एक लेग को हमें इस तरीके से आगे लेना है और लेग को थोड़ा सा बेंड करना है, फिर स्पाइन को हमें अच्छी तरीके से सीधा कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पाइन हमारा सीधा हो गया। इनके बाद फिर हमें यह वाले एल्बो को बेंड करके इस तरीके से डंबल को ऊपर उठाना है। यहाँ पर आपका डंबल बॉडी के नज़दीक होना चाहिए, फिर धीरे धीरे इनको नीचे लेना है। इस तरीके से आपको स्पाइन को सीधा करके डंबल को ऊपर उठाना है। यहाँ पर आपका एल्बो बॉडी के ऊपर इस तरीके से आना चाहिए, फिर धीरे धीरे नीचे ऐसे 15 से 20 बार आपको करना है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से डंबल को दोनों हाथ से पकड़ लेना है। यहाँ पर यह वाली ग्रिप आपको बना लेनी है, बीच में आपको डंबल को रखना है, फिर हाथ को ऐसे एल्बो में से सीधा करना है, थोड़ा सा एल्बो को बेंड रखना है, फिर हमें हाथ को इस तरीके से पीछे ले जाना है, शोल्डर में से पीछे झुकाना है, फिर हमें हाथ को ऊपर उठाना है। हाथ को हमें यहाँ तक लाना है, पूरा नीचे नहीं लाना है, वापस पीछे ले जाइए, धीरे धीरे नीचे लाना है, धीरे धीरे हमें इस तरीके से डंबल को ऊपर उठाना है। 15 से 20 रिपीटेशन हमें इस तरीके से करना है। इनके बाद की थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से उल्टा लेट जाना है। यहाँ पर हमें दोनों हाथ में इस तरीके से डंबल को पकड़ लेना है, फिर दोनों हाथ को हमारे बॉडी के परपेंडिकुलर इस तरीके से सीधा कर देना है, फिर हमें दोनों डंबल को ऐसे बाजू पर से ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे नीचे रखना है। यहाँ पर आपको आपकी दोनों शोल्डर ब्लेड नज़दीक आनी चाहिए, इस तरीके से दोनों हाथ को बाजू पर ऊपर उठाइए, धीरे नीचे लाइए। 15 से 20 रिपीटेशन आपको इस तरीके से करने हैं। इनके बाद की फोर्थ एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके का रेजिस्टेंस बेल्ट का इस्तेमाल करना है। शुरुआत में आपको लाइट रेजिस्टेंस वाला बेल्ट लेना है, फिर आप मीडियम लेवल का, फिर हाई लेवल का रेजिस्टेंस बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर बेल्ट के दोनों एंड को हमें इस तरीके से दोनों हाथ से पकड़ लेना है, फिर सामने की साइड बेल्ट को हमें फिक्स रख देना है, या फिर किसी और को आप पकड़ा सकते हो। हाथ को ऐसे बॉडी के सामने सीधा करना है, फिर हमें दोनों हाथ को एल्बो में से बेंड करके पीछे की साइड पर ले जाना है, फिर धीरे धीरे हाथ को ऐसे सीधा करना है, फिर हाथ को खींचिए, एल्बो में से बेंड करिए, धीरे धीरे आगे लाना है। इस तरीके से आपको 15 से 20 रिपीटेशन करना है। फिर हमें बेल्ट को इस तरीके से पकड़ लेना है, फिर बेल्ट का मेजरमेंट लेना है, हाथ से शोल्डर जितना डिस्टेंस मेजर करना है, फिर वहाँ से हमें दूसरे हाथ से पकड़ लेना है, फिर दोनों हाथ को एल्बो में से सीधा करना है, बेल्ट को हमें हेड के ऊपर रखना है, फिर दोनों हाथ को हमें शोल्डर में से ऐसे नीचे लाना है, एल्बो आपके सीधे रहने चाहिए, फिर आपको ऊपर लाना है, इस तरीके से बाजू पर हाथ को लेना है, फिर ऊपर लाइए। आपका बेल्ट ऊपर नीचे होना चाहिए। इस तरीके से 15 से 20 रिपीटेशन आपको करना है।
इनके बाद की सिक्स्थ और आखिरी एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यह एक एक्सरसाइज को करके आप अपने लेडीज डोर्सी मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यह एक्सरसाइज को जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दोनों पैर को लटका के टेबल के एज पर बैठ जाना है, फिर दोनों हाथ को ऐसे बाजू पर रख देना है। इनके बाद फिर दोनों हाथ को नीचे दबाना है, बॉडी को ऊपर उठाना है, फिर हमें एक साइड पर बॉडी को रख देना है, फिर हाथ को बाजू पर रख दीजिए, बॉडी को उठाइए। इस तरीके से आपको एक साइड पर स्लाइड होना है, हाथ को दबाना है, बॉडी को उठाना है, हाथ को दबाइए, बॉडी को उठाइए, फिर एक साइड पर रख दीजिए। इस तरीके से आपको दोनों साइड पर बारी बारी करना है ताकि दोनों साइड के आपके लेडीज मस डोर्सी मसल अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो यह लेडिसमस डोर्साई मसल को स्ट्रॉन्ग करने वाली अलग अलग एक्सरसाइज सिखाई, इनको नियमित करके आप बैक पेन में फायदा ले सकते हो, आप अपने पोस्चर को सही कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।